हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मोहर्रम स्पेशल चोंगा, जो मैं मेरे मम्मी के स्टाइल में बनाने वाली हूँ। चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। और इस वीडियो के लास्ट में मेरे भाई ने थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोगों के सामने चोंगा रेसिपी की हिस्ट्री लेकर आएंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसे भी जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुगवीर पटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नसरीन सुल्तान। आज हम बनाने वाले हैं मोहर्रम स्पेशल चोंगे। चोंगे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ये है: गेहूँ का आटा, घी, शुगर के बनारी में खोपरा खसेवा है, इसको बुरखश करली में, एक खोपे को बुरखश करली में, थोड़ा नमक, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, ये जो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मैं चार ड्राई फ्रूट्स ली में, और थोड़ा पानी। अब आटे को मिक्स कर लेना, अपन आधा घंटा रेस्ट देना उसको। तो मैं पहले से आधा घंटा पहले मैं मिक्स कर ली, डेढ़ चम्मच घी डाल ली, थोड़ा चुटकी भर नमक डाल लेके इसको पानी डाल ले, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हुए मिक्स कर ली में। आटा ऐसा चिकना होना, ऐसा रहना, ये लेवल पे आना अपन आधा घंटा तक इसको रेस्ट देना। अब मैं इसको चोंगे बना लेती। मैं ये चोंगों के ऊपर की फीलिंग जो लगती वो तैयार कर लेती। एक कटोरी खोपरा डाल ले रही मैं, बुरखश कर ली मैं इसको, और एक कटोरी शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना उसमें, लेकिन मैं इसमें मिक्स कर लेके रख ले रही, और ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर 8 से 10 इलायची ली मैं, इसका पाउडर बना ली, इसको अच्छा मिक्स कर लेना पर। मिक्स कर लेके ये चोंगों के ऊपर डालना पड़े। अभी तैयार हो गया ना, मैं चोंगे बना लेती। अब मैं पेड़े बना लेती इसके, ये साइज के बनाना अपन। ये इतना आटा लेके बनाना, ज़्यादा पतले भी नहीं रहना, ज़्यादा मोटे भी नहीं रहना, ये नॉर्मल रहना। ये साइज के पेड़े बना लेती मैं, पूरे पेड़े बना लेती मैं, पूरे इस साइज के बना लेती मैं पेड़े। मैं पूरे पेड़े तैयार कर ली, ये साइज के रहना पेड़े। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आटा रख ली मैं। ये आटा अपन को यूज़ होता, वो कैसा यूज़ होता मैं दिखाती, वो चूंकि बनाते खुद में यूज़ होता अपन को, ऐसा रख लेना अपन थोड़ा आटा। और मैं तवा चूल्हे पे रख ले रही गर्म होने के लिए। और ये घी गरम कर ली मैं, गरम कर लेना अपन घी। इस सूप का आटा डाल के अपन बेलना, जैसे अपन गेहूँ की रोटी बनाते सेम वैसे बनाना, लेकिन थोड़ी ये मोटी रहती। ज़्यादा मोटी भी नहीं रहना है, ज़्यादा पतली भी नहीं रहना, नॉर्मल रहना। अपन आधा घंटा रेस्ट दिए तो बहुत नरम अच्छे होते चुंगे, ऐसा राउंड इतने ये साइज के बना लेना अपन। तवा गरम है, बस डाल के सेक लेना अपन। चुंगे के लिए इतनी मोटी रहना रोटी तो सही बनते चुंगे। तवा गरम होगा, अब मैं ये चुंगा डाल ले रही। डालने का अपन दो साइड अच्छा अपन इसको सेकना, अपन अच्छा सेकेगा तो सही होती, कच्ची पक्की नहीं सेकना, अच्छा पूरा अच्छा सेकना अपन उसको। एक कपड़े की मदद से मैं सेकती। अब अपन घी लगा लेंगे, दो साइड घी लगा लेना अपन। अब ये इसमें निकाल ले रही, निकालने के आपको इसके दीवारा उठाना रहता अपन को, तो अपन गरम पे उठाना, ठंडा भी बंद नहीं अच्छा सही नहीं उठते, गरम पे उठाना। तो अब ये आटा जो है, ये जो आटा मैं बताई ना, ये आटा ऐसा रख के अपन ऐसा उठा लेते जाना दीवारा, क्योंकि अपन के हाथ जलते ना, इसलिए अपन ऐसा उठा लेते हुए ऐसा इसमें ऐसा करते जाना, तो अपना हाथ नहीं जलता, ये ठंडा रहता ना आटा, ऐसे उठा लेना अपन, ये तो छाले आ जाते अपने हाथों में, तो ये ऐसा कर लिए तो अपन की सेफ्टी रहती है, पूरा ऐसे उठा लेना अपन। ये दीवार बोलते इसको, ये दीवार जो है ना गर्म पे चुटती है, ठंडा हो गया बाद सही नहीं उठती है, इसलिए अपना गर्म पे उठाना है, चुंगा गर्म पे तैयार कर लेना अपन इसको, ऐसे गोल घुमा लेते हुए अपन पूरा तैयार कर लेना। ये एक चुंगा तैयार हो गया, मैं अब दूसरा तैयार कर लेती इसे। अपन सेम जैसे पराठे बेल लेते इसको वैसे ही बेल लेना, लेकिन थोड़ा मोटा खाना इतना अच्छा वाला खसमे, और उसमें राउंड बेल लेना अपन। अपन ज़्यादा पतली बनाए तो वो जो अपन खा रहे दीवार सही नहीं उड़ते, जो मैं सही नहीं बनता, इसलिए थोड़ा मोटा रख लेना ऐसे राउंड कर लेके। अभी तैयार होगा,
अच्छा सेक लेना बंदों से, कपड़े की मदद से अच्छा से सेक लेना। और उठाने के रोटी में इधर भी सेक लेंगे। घी लगा रही हूँ, लहसुन कर लेंगे, कर देंगे हमने तो जल जाती इसलिए। अब ये तैयार हो गई, इसके भी दीवार उठा लेते। इसको कैसा कर लिए थे इसको वैसे कर लेंगे अपन सेम, ऐसा उठा लेते हुए। ये जैसा बना लिया अपन गुड़ के भी बना ले सकते हैं। गुड़ को पिघला लेके डाल लेना अपन ऐसे। मैं पूरे तैयार कर लेती, सेम ये मेथड से पूरे तैयार कर लेती। थैंक यू दोस्तों, ये चुंगा बनकर तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कैसी बनी ये डिश। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त रफी पटेल। चलिए जानते हैं आज अपन थोड़ी सी हिस्ट्री चोंगे के बारे में। चोंगे की ओरिजिन महाराष्ट्र से है, जिसे वहां के मुखामी मुस्लिम कम्युनिटी में बनाया जाता था मुहर्रम के महीने में। ये एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्वीट डिश है, जिसको गुड़ या शक्कर के चाशनी और शुद्ध देसी घी से बनाए गए एक किस्म के मीठे पूरियां हैं। ऐसा माना जाता है कि मुगल के इन्फ्लुएंस से ही महाराष्ट्रियन कसीनी में प्योर देसी घी का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था, जिसको अपन इस डिश में भी यूज कर रहे हैं। ये औरंगाबाद, कोंकण और शोलापुर जैसे महाराष्ट्र के कई जगह में बेस मुस्लिम कम्युनिटीज में बनाया जाता था, लेकिन आज इस डिश को इंडिया के अलावा भी कई फॉरेन कंट्रीज में भी बनाते हैं। तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री चोंगे के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के डिलीशियस रेसिपीज और इंटरेस्टिंग फूड रिलेटेड हिस्ट्रीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने सजेशन हमें कमेंट के जरिए से बताइए। तो व्यूवर्स, आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।